तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरे इस नई वीडियो पे आप लोग को स्वागत करते हैं। तो मैं बात करने वाला था, मेरा मोबाइल होल्डर आने वाला है इस बार भी। इस वीडियो पर भी मैं यही बार बोल रहा हूँ, डोंट माइंड, ओके? सब जस्ट बने रहे मेरे चैनल पे, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद इसका भी रास्ते का ब्लॉग जल्दी आएगा दोस्तों, जस्ट तुम लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैं बताने वाला हूँ, मुझे ना अभी बाइक पे क्या क्या लगाना बाकी है, मतलब क्या क्या मुझे अच्छा लगता है, वो सब बताने वाला हूँ मैं आज की इस वीडियो पे। मुझे जैसे कि ये एक दोस्तों सबका फेवरेट है, लेकिन पैसा ना होने के कारण कोई कोई लगा नहीं सकता है। तो मैं जल्द ही एग्जॉस्ट लगाऊंगा। तो बैन पाइप एक्स्ट्रा, उसका प्राइस, मतलब बैन पाइप का एक्स्ट्रा चार्ज, उसके बाद जो एग्जॉस्ट एक्राबोबिक का आता है, एक्राबोबिक सबका पसंदीदा एग्जॉस्ट है शायद। एक्राबोबिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक्राबोबिक का लगाऊंगा मैं। उसके बाद बैन पाइप भी अच्छा क्वालिटी का लगाऊंगा। तो गाइस मेरे चैनल पे बने रहिए, उसके बाद मैं आप लोग को एग्जॉस्ट लगाने का कैसे, मतलब कब लगाएगा, ये सब भी दिखाऊंगा मैं धीरे धीरे वीडियो पे। जस्ट बने रहिए। फिर भी ना मेरा ये मतलब होल पूरा खाटा हुआ है ये सब, इसकी वजह से ही साउंड मेरा बढ़िया आवाज़ करता है, मुझे एक्राफोबिक का फील आने लगता है। ये काट के देखो, मज़ा आता है। जस्ट ज़्यादा नहीं जाता, 150 रुपया ऐसा जाता है। उसके बाद मैं इस हैंडल को एफजेड का लगाया हूँ, मतलब एफजेड का ज़्यादा अच्छा है, MT15 का ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, एफजेड का ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब मेरा MT15 का जो हैंडल था, बारिश के मौसम में मैं ऐसे स्टैंड करके कहीं पे चला गया था, उसके बाद गिर गया फटाक से, मतलब बैन हो गया, ये बैन हो गया। तो मैं एफजेड का लगा लिया है, एफजेड का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग भी लगा के ट्राई करिए। तो संजू मेरे पीछे पीछे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, संजू के बारे में भी बोलो। संजू बहुत अच्छा लड़का है, इसका भी मतलब ना, मैं जो वो खरीदा था मेरा वाला MT15 जो खरीदा था, उसका बाइक देख के ही मैं खरीदा, मुझे अच्छा लगा, बैठ के अच्छा लगा। MT15 मतलब इतना सेक्सी दिया है ना, इसका पीछे वाला का सीट मतलब थोड़ा छोटा है, बहुत सेक्सी दिखता है मुझे, लेकिन ये बहुत अगली दिया है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो भाई का R15 बोल रहा हूँ मैं, MT15। तो MT15 बहुत, मतलब इसका BS4 है। तो भाई बोला मेरे को चैलेंज किया है मेरे साथ रास्ते पे, मतलब जब मेरा मोबाइल होल्डर आएगा उसके बाद भाई बोला कि मेरे साथ रेस करी गई है, BS4 वर्सेस BS6। तो कौन जीतता है मुझे पता नहीं है, लेकिन BS4 का ज़्यादा पावर है शायद, मुझे आई थिंक ऐसा लगता है मुझे। तो मेरे चैनल पे बनी रही है दोस्तों। उसके बाद भाई का भी एक जोश लगाएगा बोले, उसके बाद हम, अगर आपको जानना है कि टॉप स्पीड BS6 का ज़्यादा या BS4 का, तो इस मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना। तो हम जल्दी मतलब इसका भी BS6 वर्सेस BS4 हम रेस करवा के दिखाएंगे दोस्तों आप लोग को। जस्ट मेरे चैनल पे बने रहिएगा। उसका अभी हैंडल है वो प्योर MT15 का ही है, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता MT15 का, लेकिन BS4 भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसका स्टैंड मारने से, मतलब गियर पे रहने से, स्टैंड मारने से इसका ऑफ नहीं होता शायद। तो भाई ने बोला एग्जॉस्ट लगाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सा एग्जॉस्ट लगाएगा, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ भैया से, भैया कौन सा वाला एग्जॉस्ट लगाएगा? कोई भी अच्छा। ऐसी प्रोजेक्ट साउंड ना निकले, बस इतना चाहिए मेरे को। भाई को छपड़ी जैसा साउंड नहीं चाहिए, थोड़ा सा डीप बेस चाहिए, तो तब तो आपके लिए वो एक्राफोबिक का अच्छा होगा। एक्राफोबिक का लगा लेना, उसके बाद मैं भी एक्राफोबिक का लगा लूँगा, लेकिन डीबी क्लियर निकाल के। मैं छपड़ी जगह छपड़ी ही हूँ, मैं छपड़ी जैसा चलाता हूँ दोस्तों। भाई का इधर कुछ लगाया हुआ था, लेकिन वो निकाल दिया है। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, उसके बाद नए वीडियो पे नए हो तो मेरे वीडियो, मतलब चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। नेक्स्ट वीडियो पे क्या क्या बनाऊँ आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊंगा मैं मज़ेदार वीडियो। पहले मोबाइल होल्डर आने दो, उसके बाद ना मैं एग्जॉस्ट लगाऊंगा। एग्जॉस्ट ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मतलब डीप बेस चाहिए मुझे। एग्राफोबिक लगाने से मतलब क्या आता गया मेरे गले पे यार, सॉरी। तो हाँ, एग्राफोबिक लगाने से अच्छा ही होता है, एक्राबोबी की बेस्ट है दोस्तों, एक्राबोबी के लिए लगा लेना। मैं ऐसी प्रोजेक्ट भी खरीदूंगा एक, उसके बाद लगाऊंगा। मेरे चैनल पे जस्ट बने रहिएगा, मैं बहुत अच्छा
वीडियो लाता रहूँगा आप लोग के लिए। उसके बाद ये सानी भाई का बाइक NS160, तो इससे भी रेस करवाना पड़ेगा। BS4 वर्सेस ये क्या है पता नहीं मुझे, NS का कुछ खास मुझे पता नहीं है, लेकिन BS4 वर्सेस BS6 होगा मेरे बाइक से, इसका रेस आएगा। भाई ने बोला हम रेस करेंगे तो डन। उसके बाद NS का भी NS का नहीं लेगा हम। तो गाइज अभी हमारा मतलब पूरा गाड़ी गंदा हो गया है, कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। तो संजू भाई बोला है कि मतलब वॉशिंग करने जाता है ना क्या ऐसा, तो हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे वॉशिंग करवाएंगे, उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। गाइज जस्ट आप लोग मेरे चैनल पे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, उसके बाद आप लोग जो कमेंट करेगा अच्छा ही मतलब अच्छा कमेंट करना, उसके बाद आप लोग ये करो वो करो करने से हम कर डालेंगे आप लोग के लिए। जस्ट बने रहे मेरे चैनल पे। तो थक गया मैं भाई, इतना पीछे कभी नहीं बोला मैं, तो थक गया, गला सूख गया, पानी पीना है। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, तो बस बने रहिएगा, मैं अच्छा अच्छा वीडियो डालूँगा।